नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपके साथ थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर सराउंडिंग की अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेंट में हमने पढ़ा था दोस्तों सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज टू बी कूल्ड, मतलब जो स्टोरेज से हीट को एब्जॉर्ब करे और स्टोरेज को कूल्ड करे। फिर हमने दोस्तों यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन देखी थी। रेफ्रिजरेशन में हमने दोस्तों क्या सीखा था, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हमने दोस्तों सीखा था। वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर होता था हमारा दोस्तों 3.51 किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट। फिर इसके बाद दोस्तों हमने चर्चा की थी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। फिर हमने इसमें बात की थी, आपको हमने परिभाषा भी बताई थी, इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट टू बी द रिमूव्ड फ्रॉम वन टन ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस इन अ डे ऑफ 24 आवर, मतलब 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने में जितना भी हमारा समय लगता है 24 आवर का, उसी को हमने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बताया था दोस्तों। फिर हमने आपको ये निकालना सिखाया था कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहाँ से निकल कर आता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी हीट इंजन की। हीट इंजन में सबसे दोस्तों पहले हमने बात की थी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। सबसे पहले हमने दोस्तों बात की थी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल एंड कन्वर्ट ऑल लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी। दोस्तों हमने आपको बताया था लो ग्रेड एनर्जी हमारी होती है हीट और हाई ग्रेड एनर्जी हमारी होती है वर्क, मतलब सिंगल सोर्स से, सिंगल रिजर्वायर से पूरी की पूरी लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एफिशिएंसी का फार्मूला निकाला था हीट इंजन के लिए, जो कि हमारा निकल कर के आया था एफिशिएंसी इक्वल टू 1 QL डिवाइडेड बाई QH, और ये वैलिड था हमारा दोस्तों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ के लिए। फिर दोस्तों हमने सीखा था एक चीज़ कि हमारा जो होता है TL डिवाइड बाई TH, ये हमारा बराबर होता है QL डिवाइड बाई QH के, और ये ओनली वैलिड होता है रिवर्सिबल के लिए। ये हमारा ओनली वैलिड होता है रिवर्सिबल के लिए। फिर हम एफिशिएंसी की जगह इसको पुट कर सकते हैं तो हमारा निकल जाएगा 1 TL डिवाइड बाई TH। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने निकालना सीखा। इसके बाद दोस्तों हमने आपसे बात की क्लासियस स्टेटमेंट की। क्लासियस स्टेटमेंट में हम लोगों ने दोस्तों COP निकालना सीखा। क्लासियस स्टेटमेंट में हमने हीट पंप का COP निकालना सीखा, और हीट पंप की हमारी COP निकल करके आई 1 QH डिवाइडेड बाई QL, और ये भी दोस्तों किसके लिए वैलिड होगा, बोथ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल के लिए वैलिड होगा। फिर इसके जहाँ हम पुट कर सकते हैं 1 TH डिवाइड बाई TL, COP ऑफ हीट पंप। अब दोस्तों हम अगर यहाँ पर बात करें तो आप हीट पंप और हीट इंजन में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हीट इंजन में हमको लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और हीट पंप में हमको हायर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसलिए इसमें देखिए एफिशिएंसी में लोअर टेम्परेचर ऊपर आता है और इसमें हायर टेम्परेचर ऊपर आता है। अब दोस्तों इसके बाद हमने रेफ्रिजरेटर सीखा था, और रेफ्रिजरेटर में हमने COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, जो कि हमारा था COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसके बाद दोस्तों आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा VCRS सिस्टम।
VCRS साइकिल। ये हमारा न्यू टॉपिक है, तो जो भी लोग ALP CVT 2 और UPSSC JEE SSC JEE स्टेट लेवल JEE या किसी भी प्रकार का JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले VCRS का फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। VCRS का फुल फॉर्म दोस्तों हमारा होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ साइकिल बन रही है, साइकिल बन रही है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा। वो प्रोसेस हुआ होगा तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि VCRS साइकिल में हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। फिर इसके बाद हम आपको VCRS साइकिल में जो होने वाली प्रोसेस हैं उनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे और उनकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि VCRS साइकिल कैसी साइकिल होती है। VCRS साइकिल हमारी रिवर्सिबल साइकिल होती है कि इरिवर्सिबल साइकिल होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि VCRS साइकिल हमारी कैसी साइकिल होती है, तो आपको आंसर देना है इरिवर्सिबल साइकिल। VCRS साइकिल हमारी इरिवर्सिबल साइकिल होती है। अनुत्क्रमणीय साइकिल होती है, अनुत्क्रमणीय साइकिल होती है। फिर दोस्तों ये साइकिल में, इस साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, पहले इस साइकिल के हम प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से उस चीज़ को हम पूरा क्लेरिफाई कर देंगे। तो ये साइकिल कंसिस्ट करती, कोई भी साइकिल कंसिस्ट करती है चार प्रोसेस, लेकिन हमारी लेन्योर साइकिल होती है जिसमें हमारे तीन प्रोसेस होते हैं। अब जो साइकिल हमारी VCRS है इसमें जो होने वाली चारों प्रोसेस हैं, पर सबसे पहले हम उनका जिक्र करते हैं। तो दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेस, कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेस। अब ये हमारी फोर प्रोसेस कौन सी हैं, इसमें हमारी दो प्रोसेस होती हैं आइसोबारिक और दो प्रोसेस होती हैं हमारी आइसेंट्रॉपिक। आइसोबारिक और आइसेंट्रॉपिक कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहे, मतलब दाब हमारा नियत रहे, और आइसेंट्रॉपिक कहने का मतलब जिसमें हमारी एंट्रॉपी कांस्टेंट रहे। अब एंट्रॉपी और प्रेशर और आइसेंट्रॉपिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक, इन सब की चर्चा हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों बार हमारा प्रेशर की यूनिट होती है, इसलिए आइसोबारिक इसका मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसो मीन्स होता है सेम। आइसेंट्रॉपिक एंट्रॉपी को डिफाइन करता है, इसलिए इसमें एंट्रॉपी कांस्टेंट होगी। अब दो प्रोसेस हमारे आइसोबारिक होते हैं और दो प्रोसेस हमारे आइसेंट्रॉपिक होते हैं। जो हमारे दोनों आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं इसमें हम हीट एडिशन करते हैं, मतलब हीट एडिशन का मतलब ऊष्मा उसमें डालते हैं, और हीट रिजेक्शन करते हैं मतलब ऊष्मा उसमें से निकालते हैं। और जो हमारी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होती है इसमें हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन मतलब होता है दोस्तों दबाव डालना, और एक्सपेंशन करते हैं मतलब फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक्सपेंशन में जो हमारी डिवाइस यूज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सपेंशन में यूज होने वाली डिवाइस कौन सी होती है, तो आपको बताना है थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस से आपसे दूसरा क्वेश्चन आएगा, थ्रॉटलिंग डिवाइस हमारा कौन सा प्रोसेस है, तो आपको इसको बताना है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारा कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब दोस्तों इसका रीजन आपको हम बताएं अगर कि इरिवर्सिबल प्रोसेस थ्रॉटलिंग क्यों है, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा थ्रॉटलिंग क्यों है, क्योंकि जो हमारी थ्रॉटलिंग में हमारी जब एक्सपेंड होती है वाल्व, हमारी जब वाल्व एक्सपेंड होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है। उसमें क्या जनरेट होती है दोस्तों, हीट, और हीट जनरेट होने के कारण उसमें फ्रिक्शन होता है, उसके कारण हीट जनरेट होती है।
जब हमारा कोई चीज़ एक्सपेंड करती है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने के कारण क्या दोस्तों होता है, हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो हमारी एंट्रोपी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है हमारी दोस्तों तो मशीन की इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। तो दोस्तों आपसे चार क्वेश्चन थ्रोटलिंग से, चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि थ्रोटलिंग हमारा होता क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो आप बताएंगे थ्रोटलिंग हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और अगर थ्रोटलिंग होने की वजह से हमारी इफिशियंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो आप बताएंगे इफिशियंसी घट जाएगी, और एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो आप बताएंगे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्रोटलिंग आपका कैसा प्रोसेस है, तो आपको बताना है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ध्यान दें यहाँ से कि हमको याद रखना है कि VCRS हमारी चार प्रोसेस कंसिस्ट करता है। पहली प्रोसेस होती है दो आइसोबारिक और दो आइसेंट्रोपिक, ठीक है दोस्तों। तो आपके पेपर में आएगा कि VCRS कंसिस्ट ऑफ, VCRS में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो आपको लिखा रहेगा कि दाब समान होते हैं और एंट्रोपी समान होती है, और या फिर आपको लिखा रहेगा कि आइसोबारिक, दो आइसोबारिक प्रोसेस और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। और आपसे तीसरी चीज़ पूछेगा कि VCRS साइकिल हमारी कैसी साइकिल है, तो आपको बताना है दोस्तों इरिवर्सिबल साइकिल है। अब दोस्तों हम आपको फिगर के माध्यम से इस चीज़ों को समझाते हैं। थ्रोटलिंग प्रोसेस को दोस्तों हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस को दोस्तों हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसेंथैल्पिक कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जहाँ एंथैल्पी कांस्टेंट हो, जहाँ एंथैल्पी क्या हो दोस्तों, कांस्टेंट हो। एंथैल्पी भी दोस्तों हमारी एक प्रकार की एनर्जी होती है, जिसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें लगातार, हम आपको सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर हम दोस्तों सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते तो आपको RAC समझने में और ईजी होता, लेकिन अब आपका ट्रेड एग्ज़ाम है तो हमें आपके लिए RAC स्टार्ट करना पड़ा। अब दोस्तों वैसे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हम आपको बहुत ही ईजिली डील कर रहे हैं, सवालों को आपको समझा रहे हैं, आपको चीज़ों को बता रहे हैं अच्छे से, बाइलिंगुअल चला रहे हैं क्लासेस को, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों जो हमारी VCRS साइकिल है, साइकिल बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस क्रम में लगे होते हैं, तीसरा क्वेश्चन एग्जाम हमसे ये पूछता है। तो किस क्रम में लगे होते हैं दोस्तों, सबसे पहले लगा होता है दोस्तों हमारा कंप्रेसर, सबसे पहले लगा होता है दोस्तों हमारा कंप्रेसर, फिर दोस्तों हमारा लगा होता है कंडेंसर, फिर लगा होता है दोस्तों हमारा कंडेंसर, फिर लगा होता है हमारा दोस्तों थ्रोटलिंग वाल्व, फिर लगा होता है दोस्तों हमारा क्या, थ्रोटलिंग वाल्व, और इसके बाद दोस्तों हमारा लगा होता है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर। अब दोस्तों इसका हम फिगर बनाते हैं तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस पेज से आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि VCRS साइकिल हमारी कितनी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी साइकिल है, तो आपको बताना है इरिवर्सिबल साइकिल, एक क्वेश्चन। VCRS में हमारा साइकिल में जो VCRS में हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो आपको बताना है दो आइसोबारिक प्रोसेस होती हैं दोस्त, और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी थ्रोटलिंग कैसी प्रोसेस है, तो आपको बताना है इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि वहाँ इंक्रीज हो रही है और इफिशियंसी डिक्रीज हो रही है, इसलिए प्रोसेस हमारी कैसी हो गई, थ्रोटलिंग प्रोसेस हो गई। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। आपसे पूछेगा कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो आपको बताना है एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, एच कांस्टेंट होता है। फिर आपसे चौथी चीज़ पूछेगा, पाँचवीं चीज़ पूछेगा कि हमारी जो साइकिल होती है इसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले कंप्रेसर लगा होता है, फिर कंडेंसर लगा होता है, फिर थ्रोटलिंग वाल्व लगी होती है, और फिर इवेपोरेटर लगा होता है। अब दोस्तों इसको हम फिगर में आपको दिखाते हैं और आपको चीज़ों को याद करा देंगे यहीं पर हम। आइए दोस्तों इसका हम फिगर बनाते हैं। ये दोस्तों जो हमारा लगाया गया है, ये हमारा थ्रोटलिंग वाल्व, या इसी को एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। फिर दोस्तों यहाँ पर एक लगा होता है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर्स में हमारी क्वाइल होती हैं। क्वाइल क्यों लगी होती हैं दोस्तों, क्वाइल क्यों लगी होती हैं दोस्तों, ताकि ये हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर सकें तथा इनको ट्रांसफ़र कर सकें यहाँ से। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, कंप्रेसर, कंप्रेसर से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, अभी हमने इस चीज़ की चर्चा की, कंप्रेसर से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या लगा होता है, कंडेंसर, इसके बाद दोस्तों क्या लगा होता है हमारा, कंडेंसर जो कि हीट को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर में, कंडेंसर, ये हो गया हमारा कंडेंसर, ये हमारा हो गया इवेपोरेटर,
This is compressor. ये हमारा हो गया दोस्तों थ्रॉटलिंग वाल्व। अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? हमने आपको बताया साहब कि पहला हमारा क्या आता है, कंप्रेसर। तो मतलब इसका मतलब प्रोसेस हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और इसको हमने नाम दे दिया वन। फिर दूसरी प्रोसेस हमारी क्या होती है दोस्तों? कंडेंसर आता है तो इसको हमने नाम दे दिया दो। फिर तीसरा हमारा क्या आता है दोस्तों? थ्रॉटलिंग वाल्व, तो इसको हमने नाम दे दिया तीन। और फिर चौथी हमारी क्या होती है? इवेपोरेटर, तो इसको हमने नाम दे दिया चार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं VCRS साइकिल के जो हमने कंपोनेंट देखे उनको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट इवेपोरेटर को देखते हैं। इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है, कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है और थ्रोटलिंग वाल्व का फंक्शन क्या होता है। जैसा कि इवेपोरेटर का जो फंक्शन होता है दोस्तों, इवेपोरेटर यूज़ होता है हमारा स्पेस को, स्टोरेज को कूल करने के लिए। इवेपोरेटर स्पेस से या स्टोरेज से हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो इवेपोरेटर के इनलेट पे वाटर और वेपर इन होता है तो इवेपोरेटर क्या करता है, उस वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। फिर दोस्तों हमारा जो वेपर यहाँ से निकलती है आउटलेट से, वो सीधे पहुँचती है दोस्तों कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर में जाने से पहले हम क्या करते हैं, पूरी लाइन को इंसुलेट कर देते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइन को इंसुलेट क्यों करते हैं। लाइन को इंसुलेट दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये हमारा डील करता है वेपर के साथ में। कंप्रेसर हमारा वाटर के साथ डील नहीं करता, क्योंकि कंप्रेसर अगर वाटर के साथ डील करेगा, और आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो है हमारा जो जल होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में, मतलब पानी को दबाया नहीं जा सकता है। तो हमको यहाँ समझ में आया कि हमारा कंप्रेसर क्यों वाटर के साथ डील नहीं करता है, क्यों केवल वेपर के साथ डील करता है। और दोस्तों अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हमारी वेपर जो है लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, मतलब उसमें कुछ पार्टिकल होंगे लिक्विड के, तो वेपर क्या करेगी, कंप्रेस जो वाटर हमारा वाटर के कुछ पार्टिकल आएंगे वो इसमें जो इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होंगे उनके पास जा करके एक एयर गैप मेंटेन कर देंगे, जिससे जो इसका वेपर का सॉरी कंप्रेसर का जो हमारा पिस्टन होगा वो जा करके ऊपर चिपक जाएगा और हमारा जो कंप्रेसर होगा वो चोक हो जाएगा। इसलिए जो हमारी ये लाइन है ये इंसुलेट की जाती है ताकि वेपरेटर से जो हमारी वेपर निकलती है उसकी हीट पाइप के थ्रू बाहर ना निकले और वेपर हमारा वाटर में कन्वर्ट ना हो। फिर दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर कार्य क्या होता है, कंप्रेसर को हम वर्क देते हैं। कंप्रेसर को हम वर्क देते हैं तो हमारा जो है कि वाटर जो वेपर है वो हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर का वेपर बन जाता है, और हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर की वेपर को हम कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में काम क्या होता है, कंडेंसर हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है तथा ये जो वेपर आती है इसमें उसमें से हीट को रिजेक्ट करता है तथा आउटलेट पर इसके एग्जिट कर देता है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि कंडेंसर में अगर हमारी वन वाटर ड्रॉपलेट भी चली जाएगी तो कंडेंसर हमारा चोक हो जाएगा, इसलिए कंडेंसर से पहले कंप्रेसर को लगाया जाता है ताकि हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर की वेपर को, वेपर हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर की हो जाएगी तो एक गैस की भांति बिहेव करने लगेगी, तो उसको गैस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कंप्रेसर का यूज कंडेंसर से पहले किया जाता है। जो हमारी हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर की वेपर कंडेंसर में जाती है तो कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है उसमें से और आगे की ओर भेज देता है। फिर यहाँ से हमारी वेपर थ्रोटलिंग वाल्व में आती है। थ्रोटलिंग वाल्व का फंक्शन होता है दोस्तों वेपर को एक्सपेंड करना, थ्रोटल करना, एक्सपेंड करना। और यहाँ पर जब थ्रोटलिंग वाल्व में हमारी वेपर आती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, और आप जानते हैं जब कोई चीज़ एक्सपेंड होगी तो उसके फेज में चेंज होगा। तो यहाँ से होता क्या है कि हमारी वेपर कुछ वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ वेपर के फॉर्म में ही रहती है, और फिर ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ के आगे की ओर बढ़ती है और पुनः हमारी वही प्रोसेस दोहराई जाती है। तो इवेपोरेटर का फंक्शन होता है दोस्तों स्पेस या स्टोरेज को कूल करने का, कंप्रेसर का फंक्शन होता है दोस्तों प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने का, कंडेंसर का फंक्शन होता है दोस्तों हीट रिजेक्शन करने का, और थ्रोटलिंग वाल्व का फंक्शन होता है दोस्तों वेपर एक्सपेंड करने का वाटर और वेपर को। दोस्तों थ्रोटलिंग वाल्व में हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। इवेपोरेटर में दोस्तों केवल और केवल फेज चेंज होता है। हमने देखा यहाँ से वाटर और वेपर इन हुआ और यहाँ से एग्जिट हुआ केवल वेपर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अब इन पूरी प्रोसेस को, प्रोसेस वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, कौन कौन सी प्रोसेस हैं इनको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारी प्रोसेस वन से टू थी वो थी हमारी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। फिर दोस्तों जो हमारी टू से थ्री है वो आइसोबारिक
हीट रिजेक्शन है, मतलब आइसोबारिक कहने का मतलब दोस्तों क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब दोस्तों पहले ये चीज़ देखिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन को, रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रॉपिक भी बोलते हैं। मैं दोस्तों आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आपको ये टर्म जो है समझने में आसानी होगी। कंप्रेशन में होता क्या है दोस्तों, प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहती है कंप्रेशन में, और एक्सपेंशन में हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, जैसा कि हमने आपसे पहले चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रोसेस 2 से 3 में कहाँ होती है, कंडेंसर में होती है। और कंडेंसर में होता क्या है दोस्तों, हीट का रिजेक्शन होता है, अभी हमने फिगर के माध्यम से समझा था। तो हीट का रिजेक्शन किस पे होता है दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट का रिजेक्शन दोस्तों किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। और जब किसी चीज़ से हीट रिजेक्ट होगी तो उसकी एंट्रोपी रेंडमनेस जो है दोस्तों क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। फिर प्रोसेस 3 से 4 हमारा क्या होता है दोस्तों, थ्रोटलिंग वाल्व लगा होता है, या एक्सपेंशन वाल्व भी उसी को बोलते हैं, या कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं। वहाँ पर हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, और वहाँ भी हमारी एंट्रोपी क्या होती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है। फिर प्रोसेस 4 से 7 की बात कर लें तो इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इवेपोरेटर हमारा किस पे वर्क करता है दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। तो हमने ये चारों पांचों चीज़ें देखी, और हमने समझा कि किस प्रकार से हमारी VCRS साइकिल वर्क करती है, और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर VCRS साइकिल में TS डायग्राम की, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारा TS डायग्राम बनता है दोस्तों, TS डायग्राम में हमारा जो स्टेट होती है टेम्परेचर, और S मीन्स एंट्रोपी। TS डायग्राम हमेशा दोस्तों इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा TS डायग्राम इक्विवेलेंट स्टेट में होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, TS डायग्राम से हमको क्या मिलता है, तो TS डायग्राम से दोस्तों हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। अब कैसे TS डायग्राम बनता है पहले इसको समझिए। तो TS डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो कुछ इस प्रकार से इसको करते हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस 1 से 2 हमारी होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन जब हम लोग करते हैं दोस्तों, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमको इधर बढ़ना होगा, ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन में केवल फेज चेंज होता है दोस्तों, तो हीट रिजेक्शन हमारे कुछ इस प्रकार से बनेगा। और कंडेंसर के आउटलेट पे हमको वेपर वाटर मिल जाता है कंटेंट, वाटर प्लस वेपर कंटेंट मिल जाता है, तो हम यहीं तक आएंगे। इसके बाद दोस्तों 3 to 4 हमारा क्या होता है दोस्तों, एंथैल्पी। एंथैल्पी का जो कर्व आता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से आता है H का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर एंथैल्पी कॉन्स्टेंट होती है कैपिलरी ट्यूब में, थ्रोटलिंग वाल्व में। उसके बाद दोस्तों 4 से 1 हम कहाँ रहते हैं, इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमने ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन दिखा दी, 1 2 3 4। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमारी क्या कांस्टेंट थी दोस्तों, एंट्रोपी कांस्टेंट थी। यहाँ हमारा क्या कांस्टेंट था, एंथैल्पी कांस्टेंट थी। यहाँ हमारा क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था 3 to 4। और 4 से 1 भी हमारा क्या कांस्टेंट था दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट था। तो हमारी साइकिल कुछ इस प्रकार से चली क्लॉकवाइज, कुछ इस प्रकार से हमारी साइकिल मूव की है। अब दोस्तों देखिए इससे निकलता क्या है, TS डायग्राम से जो हमारा इस कर्व के नीचे की चीज आई, जो हमारी इस कर्व के नीचे की चीज आई, ये दोस्तों हमारा किसको शो करता है दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को। किसको शो करता है दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को। अब दोस्तों हम कल समझेंगे कि हमारा HS डायग्राम किस चीज़ को शो करता है। तो HS डायग्राम के माध्यम से दोस्तों हम वर्क डन निकालते हैं। HS डायग्राम हमको क्या बताता है दोस्तों, वर्क डन बताता है। HS को हम PH डायग्राम भी बोलते हैं। तो वो डायग्राम हमें क्या बताता है दोस्तों, वर्क बताता है। तो आगे की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।